अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े के क्रिस्पी कटलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है, तो इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो मैं कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी, और इसके गर्म होने पर मैं इसमें गार्लिक जो फ्रेश वाला वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप 2 जवे लहसुन के ले रहे हैं और इसके ऊपर 1 चॉप करके वो भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं एक ही मैंने लिया फ्रेश वाला, इसको मैं सोटे करती हूँ 1-2 मिनट तक। अब ये 2 मिनट तक मैंने सोटे कर लिया, तो इसमें मैं अनियन डाल रही हूँ। मैंने एक लिया मीडियम साइज के, इसको मैं चॉप कर लिया, इसको मैं 2-3 मिनट तक सोटे करूँगा। अब ये 2 मिनट तक मैंने अनियन को सोटे करने के बाद इसमें डालने चॉप किया हुआ कैबेज यानी कि बंद गोभी, इसका मैंने एक ही डाल लिया। इसको भी हम बिल्कुल 2-3 मिनट तक सोटे करेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च यानी कि ग्रीन कलर वाली बेल पेपर, इसको मैंने बारीक चॉप किया। तो अभी हम इन सब्जियों को सबको 3 से 4 मिनट तक अच्छा सोटे कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो ऑनियन वो बॉईल कर लिए हुए हैं, तो अभी हम इसको ग्रेट कर लेते हैं ये ग्रेटर के साथ। तो ये सारे मैं करके आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को 3 से 4 मिनट तक सोटे कर लिए, तो अभी हम इसमें स्पाइसी ऐड कर लेते हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून जीरा यानी कि कॉमन सीड ऑयल, और इसमें अभी पाउडर स्पाइसी डाल देते हैं जिसमें जाएगा सॉल्ट वो मैंने 1/2 टीस्पून लिया। इसमें जाएगा रेड चिली का पाउडर वो भी 1 टीस्पून मैंने यूज किया। टर्मेरिक पाउडर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून। गरम मसाला मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून। इसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, और क्यूमिन पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे अपनी स्टफिंग में। अब इसमें मैं डाल देती हूँ चाट का मसाला वो भी जाएगा 1 टीस्पून, और इसमें मैं डाल दूंगी ब्लैक पेपर का पाउडर वो भी जाएगा 1 टीस्पून। अभी हमारी जो वेजिटेबल की स्टफिंग है ये बिल्कुल रेडी, इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं क्योंकि मैंने मसालों के साथ इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह कुक कर दिया। तो अभी हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसके ठंडा होने के वेट करते हैं। ग्रेट कर ली हूँ मैं ऑलरेडी, तो इसमें जो हमारी स्टफिंग है वो बिल्कुल कूल डाउन हो गई है, तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद मिक्स के बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इसको आपको मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और इसके बाद इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। यहाँ मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, तो अभी हम इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए बिल्कुल आप हथेली में इसको गोल शेप दे लें, और जितना आपने साइज रखना है उसी के मुताबिक बना लें। जैसे हम नॉर्मल कटलेट बनाते हैं बिल्कुल आलू के कटलेट जो है विद मिक्स वेजिटेबल, तो ये रेडी। मैं बाकी की टिक्कियाँ भी रेडी करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली हुई हैं, तो अभी हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एग ऑलरेडी फेंट लिया हुआ है, तो अब इसमें दोनों हाथों यूज़ करने पड़ने हैं। इसमें मैं डिप करूँगी एग के साथ, और यहाँ पर मैं चावलों का आटा लिया, तो उसमें हम अपना जो
आप टिक्की कहें, कबाब कहें, कटलेट कहें, तो वो रख देंगे और उसको हम नाइसली कोट कर लेंगे, तो इससे बहुत ही क्रिस्पी वाले हमारे कबाब रेडी होंगे। इसको मैंने कोट कर लिया, तो ऑयल को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया, जिसमें हम शैलो फ्राई करेंगे। तो इस तरह मैं सारे कबाब कोट कर लेती हूँ, तो तब तक ऑयल भी गर्म हो जाता है, तो फिर हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, जब भी हम एक एक बनाते जाते हैं और मैं डालती जाती हूँ फ्राई करने के लिए। देखिए मैंने बाकी के कटलेट भी इसमें डाल दिए थे, तो अभी मैंने 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई किया है, तो अभी माशाल्लाह से कलर बहुत अच्छा आ गया। तो अभी हम इनको फ्लिप ओवर कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी स्टफिंग पकी हुई है, तो ज़्यादा इनको चाहिए भी नहीं। जस्ट हमने इसको क्रिस्पी बनाने के लिए जो कोट किया, अब वो फ्राई हो गया, तभी हम इसको फ्लिप ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी साइड पे भी 2 से 3 मिनट हम जब तक ये गोल्डन हो जाते हैं तब तक फ्राई करेंगे दूसरी साइड से। तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे फ्लिप ओवर हो गए, अब 2 से 3 मिनट तक हम गोल्डन होने तक इस फ्राई को फ्राई करेंगे। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। मैंने क्रिस्पी आलू के कटलेट को सर्व कर लिया, बहुत ही मज़े के बने हैं। इसको मैंने टमाटर केचप के साथ सर्व किया, अगर आप चाहें तो आप हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक देना मत। अब मैंने आलू के क्रिस्पी कटलेट को सर्व कर लिया है, बहुत ही मज़े के बने और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।